गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर कंटिन्यूइंग द टॉपिक क्यूब एंड क्यूब रूट्स, राइट। उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर से एक बार रिकैप लूँगी। अगर हमने ये सिंबल बनाया है तो दिस इज सिंबल ऑफ स्क्वेयर रूट। इन केस यहाँ पर टू है देन ऑल्सो इट इज स्क्वेयर रूट, अदरवाइज सिंपली हमने ये लगा दिया देन ऑल्सो इट इज स्क्वेयर रूट। बट इन द केस ऑफ क्यूब रूट विल पुट दिस सिंबल ऑल्सो, और यहाँ पर हमें कैप के अंदर थ्री लिखना होगा। इसको सर्ड बोलते हैं, ठीक है। इस सर्ड के अंदर हमको थ्री लिखना होगा। दिस इज इक्वलेंट टू क्यूब रूट। जैसा मैंने आपको बताया, स्क्वायर रूट जब होता है, लाइक यहाँ पे हमने दे दिया 25। अब मैं इसे ओपन करूँगी तो हाउ आई विल राइट, आई विल पुट वन ब्रैकेट, एंड जब भी हम इस सिम्बॉल को ओपन करते हैं तो इट इज इक्वलेंट टू पावर हाफ। इस पे बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए। मींस स्क्वायर रूट इज इक्वलेंट टू पावर हाफ। सिमिलरली इफ वी हैव क्यूब रूट, लाइक यहां पर मेरे पास 27 है, व्हेन आई विल ओपन दिस कैप और सिंबल, तो मैं यहां पर क्या करूंगी, 1/3, बिकॉज इट विल ओपन एज 1/3 क्यूब रूट। लेट्स से आप कहेंगे मैम यहां पर 4 हुआ तो then you can write in this way, ठीक है। means cap के अंदर जो भी होगा, let's say n है, तो when you will open the bracket then it is equivalent to power 1/n। जो भी यहाँ होगा वो 1/something में open होगा, ठीक है। square root ही एक ऐसा है जिसमें हम 2 कई बार लगाते हैं कई बार नहीं लगाते, but इन दोनों का meaning जो है वो same होगा, ये हमें याद रखना होगा, ठीक है। तो क्यूब रूट का आपको ओपन समझ में आया कि हम क्यूब रूट कैसे ओपन करेंगे, तो विल ओपन द दिस सिंबल एंड विल पुट वन ब्रैकेट एंड पावर जो है वो 1/3 हो जाएगा। इसी एग्जांपल को थोड़ा हम सॉल्व कर दें। नाउ आई कैन राइट 3 × 3 × 3 होल टू द पावर 1/3। नाउ आई कैन राइट 3 × 3। अब ये कैसे होगा, तो इसका मैं आपको कई बार एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि वन बेसिस विल बी सेम, द ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन, देन पावर विल बी एडेड। 1 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3, एंड फाइनली पावर टू द पावर है तो पावर विल मल्टीप्लाई एंड इट इज इक्वल टू 3 × 1, मीन्स आंसर विल बी 3। सो क्यूब रूट हम जब सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह होगा। क्यूब रूट में हमेशा हमें तीन कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए, ट्रिपलेट्स मिलना चाहिए सेम नंबर के। ट्रिपलेट्स जब हमें मिलेंगे तो वो इस पावर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हमें माइंड में रखना है। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उनमें ये अप्लाई होगा। 8 × 125, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा, देन इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, तो ये ओपन होगा तो पावर हाफ में ओपन होगा। बट ये क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं इसमें कैप में थ्री है, सर्ड के अंदर थ्री है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे सॉल्व करने के लिए। 8 को आई कैन राइट 2 × 2 × 2, एंड सिमिलरली 525 को आई कैन राइट 5 × 5 × 5। ना अभी आप चाहें तो ब्रैकेट ओपन कर दें तो जो पावर है वो हो जाएगी 1/3। नाउ अंदर 2 × 2 × 2, सो आई कैन ईजिली राइट 2 × 3, सिमिलरली 5 × 3। नाउ पावर टू द पावर क्या होगा, 2 × 3 1/3 एंड 5 × 3 1/3। इसीलिए मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो सारी प्रॉपर्टीज पहले ही रिकॉल कर दी थी। लेट्स से इनकी पावर एम एन एल ले लीजिए, पावर टू दी पावर जब भी होता है तो वो इस तरह से ओपन होता है एंड पावर विल बी मल्टीप्लाई, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट हमने यहां लगाया। नाउ पावर टू दी पावर क्या होगा, 3 × 1/3, सिमिलरली 5 × 3 × 1/3, 3 कैंसिल एंड अब जो रिमाइंडर बचा है दैट इज 2 × 5। एक्चुअली इट इज 2 × 1 एंड 5 × 1, बट 1 हम लिखते नहीं है, कोई सेंस नहीं है, सो फाइनल आंसर इज 10। तो क्यूब रूट सॉल्व करने का तरीका आपको क्लियर हुआ कि ये पावर टू द पावर से ओपन हुआ
and 3 cancel away and finally we got 2 into 5 which is equivalent to 10. एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, लाइक 64 into 7 to 9 एंड सर्ड में है 3 मीन्स क्यूब रूट है. क्यूब रूट है तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका, आप अंदर की चीज को फैक्टराइज कर लें एंड होल टू द पावर 1/3. अभी क्या होगा, 64 को 4 into 4 into 4 बिकॉज 4 4 16 16 4 64. सिमिलरली 729 को आप जब ओपन करेंगे तो इट विल बिकम 9 into 9 into 9. ठीक है, 9 9 81 एंड 81 9 729. फाइन, अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, 4 to the power 3 बिकॉज ये 3 है, ट्रिपलेट्स हैं, दीज आर ऑल्सो ट्रिपलेट्स. अब आपको ये स्टेप तो एकदम से याद हो जाना चाहिए बिकॉज इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट कि बेसिस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है. ठीक है, नाउ सेम कॉन्सेप्ट, पावर टू द पावर है तो मल्टीप्लाई सेपरेट हो जाएंगी, देन वी विल मल्टीप्लाई स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे. नाउ पावर टू द पावर तो इट विल मल्टीप्लाई. सिमिलरली यहाँ भी होगा 3 into 1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा. सो फाइनली यू हैव 4 into 9 मीन्स योर आंसर इज 36. सो योर आंसर कितना है, 36. इसे दो चार और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि क्यूब रूट हम कैसे सॉल्व करेंगे. ना अनदर क्वेश्चन इज 7 to 9 upon 1 to 5. अभी हमने मल्टीप्लीकेशन कर लिया, नाउ आई एम टेकिंग डिविजन एंड यहाँ पर है हमारे पास क्यूब रूट. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट ओपन करिए और इसे पावर 1/3 में कन्वर्ट कर दीजिए. 729 के फैक्टर्स होंगे 9 into 9 into 9 एंड 125 के होंगे 5 into 5 into 5. सो फर्दर स्टेप क्या होगा, 9 to the power 3 upon 5 to the power 3 होल टू द पावर 1/3. नाउ इसके बाद क्या होगा, पावर टू द पावर. सो वील हैव 3 into 1/3 बिकॉज पावर विल बी मल्टीप्लाई 3 into 1/3. सो फाइनली यू हैव 9 upon 5. स्टूडेंट अब अभी हमने मल्टीप्लीकेशन किया, देन वी सॉल्व डिविजन. अभी तो हमें सिंपल फैक्टर मिले 3 के कॉम्बिनेशन में, मीन्स ट्रिपलेट मिले. लेट से यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर आ जाए, कोई बड़ा नंबर हो, तब हम क्या करेंगे, तो कोई स्पेसिफिक एक फॉर्मूला होना चाहिए, पैटर्न होना चाहिए. तो दो फॉर्मूले रेज होते हैं जो मैंने आपको अभी जस्ट बताए, बट अब उनको हम फॉर्मूले के फॉर्म में पढ़ेंगे. लाइक वी हैव 2 terms, मैं अभी एग्जाम्पल से भी बताऊंगी. सो वी कैन राइट इंडिविजुअल टर्म. ठीक है, जैसे अभी हमने जस्ट किया था, अगेन आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन बाय फॉर्मूला. फॉर्मूला सेज इफ वी हैव 2 or 3 वेरिएबल्स इन मल्टीप्लीकेशन, जो भी नंबर है वो मल्टीप्लीकेशन में है एंड योर सर्ड इज 3, देन व्हाट यू विल डू, यू विल सेपरेट ऑल द टर्म्स. इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा. लाइट से यहाँ जेड भी होता तो आपका एक टर्म और आ जाता, यहाँ पे जेड आ जाता और इस सर्ड के अंदर 3 आ जाता. ठीक है, ये क्या हुआ, सेपरेशन हुआ. अब हम इसको, अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसको और सिंप्लीफाई वे में सॉल्व कर सकते हैं. मैं आपको बताती हूँ कि हमने पहले कैसे किया था. पहले हमने क्वेश्चन ऐसे किया था, हमने 2 को फैक्टराइज कर लिया, देन 5 को फैक्टराइज कर लिया, बट बाय चांस इन दिस क्वेश्चन वी गॉट ओनली 2 triplets, 2 के ट्रिपलेट मिले और 5 के. बट क्या ये नेसेसरी है कि हमेशा इतने छोटे ही मिलेंगे, लेट से यहाँ पर 2000 समथिंग होता तो उसके फैक्टर भी ज़्यादा आते. सिमिलरली यहाँ 8 नहीं होता, 1028 होता तो बहुत सारे फैक्टर्स आते. तो हम क्या ऐसे फैक्टर्स एक साथ सारे लिखेंगे, नहीं. तो हम इंस्टेड ऑफ दिस ये स्टेप हम नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसे फॉर्मूले के थ्रू सेपरेट करेंगे जिससे हमारी ट्रांसपेरेंसी क्वेश्चन की जो है वो बनी रहे. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे. सो नाउ इट इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 और सर्ड के बाहर क्या है, 3. सिमिलरली यहाँ भी 3. नाउ अब आप चाहें तो इसे डायरेक्ट 3 का
वन ले सकते हैं जैसे हम स्क्वायर रूट में कंसिडर करते थे, और इसके पीछे का प्रोसीजर क्या है तो वो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। एंड ये ओपन होगा तो 1/3, दिस इज अनदर स्टेप विच इज़ नॉट नेसेसरी, आप चाहें तो ये स्टेप करें, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड ओपन किया तो इट इज़ कन्वर्टेड इंटू 1/3, दिस इज एडिशनल स्टेप, आप चाहें तो इसे करें, अदरवाइज ये डायरेक्ट 2 एंड ये डायरेक्ट 5, सो योर आंसर इज 10। ये डायरेक्ट 2 कैसे होगा कि चूंकि ये क्यूब रूट है एंड वी हैव ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट और क्यूब रूट एलिमिनेट हो जाते हैं, एलिमिनेट का प्रोसीजर आपको पता है, एंड सिमिलरली 125 के साथ भी यही होगा और फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 10। तो अभी हमने जस्ट ही जब क्वेश्चन किया था तो हमने सारा एक साथ लिया था क्योंकि हमें लगा कि हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बट ये छोटे नंबर थे। अब जब बड़े नंबर आ जाएं और अगर हम एक साथ सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन जो है उसकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो हम उसे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो अब हम जो क्वेश्चन करेंगे सेपरेशन के थ्रू करेंगे। देखिए अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन किया था दैट वॉज 64 × 7 × 9 × 3, लेट्स से हम इसे एक साथ करते तो क्या था जो हमने अभी जस्ट किया। ठीक है, डिफरेंस समझने के लिए हमें इसे करना ज़रूरी है। मुझे पता है दिस इज मल्टीपल ऑफ 4 × 4 × 4, बट अगर आप इसे फैक्टराइज करेंगे 64 को तो ऑब्वियस है आप 2 से करेंगे, राइट करते जाएंगे, सो यू गॉट 6 फैक्टर्स, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 3 × 3 = 6। सिमिलरली ये मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि व्हाई वी विल यूज दिस फॉर्मूला। नाउ 729 को मैंने तो आपको बता दिया था कि इट इज फैक्टर ऑफ 9, मतलब 9 का 3 टाइम्स होता है ये, बट अब हम इसे सॉल्व करें तो हम ऑब्वियसली क्या करेंगे, छोटे नंबर से सॉल्व करेंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 3 एंड फाइनली दिस। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन देखिए 4, 5 एंड 6, ये तो केवल 2 नंबर थे तो उनका फैक्टर ये आया। लेट्स से वो यहाँ पर 1000 भी दे देते और एक आध कोई और नंबर दे देते, फॉर एग्जाम्पल दे गिव लेट्स से 27, देन तो ये तो आपका क्वेश्चन जो है इसकी लेंथ जो है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट वी विल डू, वी विल प्रेफर द फॉर्मूला, राइट। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। आवर फर्स्ट स्टेप शुड बी सेपरेशन, बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब ये दो सेपरेट टर्म हो गए, अब हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। 64 को आई हैव ऑलरेडी फैक्टराइज, 2 × 2 भी हम 6 टाइम्स है, यहाँ पर काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो वी कैन राइट इन दिस वे, और आप चाहें तो 2 × 2 × 2 भी करके लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ भी 3 to the power 6 है, फैक्टर्स आपके सामने हैं। नाउ यू विल ओपन द थर्ड, इट विल कन्वर्ट इंटू 1/3, सिमिलरली हेयर ऑल्सो यू विल ओपन द थर्ड एंड इट विल कन्वर्ट इंटू 1/3 बिकॉज इट्स अ क्यूब रूट। ठीक है, आप देखिए पावर टू द पावर विल बी मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6, यहाँ पर भी ऑब्वियस है मल्टीप्लाई होगा एंड 3 × 2 = 6, सो योर फाइनल आंसर इज 2 to the power 2 एंड 3 to the power 2, 2 to the power 2 इज 4 and 3 to the power 2 is 9, so final answer is 36। ठीक है, तो फॉर्मूले की क्या यूटिलिटी है आपको ये क्लियर हुई होगी। आप चाहें तो ना भी लगाएं, बट छोटा क्वेश्चन है तो इट इज़ ईजियर, बट अगर बड़ा क्वेश्चन है या नंबर्स जो हैं बड़े हैं तब विदाउट फॉर्मूला अगर आप करेंगे तो उसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी और सिली मिस्टेक होने के चांस रहेंगे। फॉर्मूला एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं कि इफ़ वी हैव 2-3 टर्म्स जो भी हैं, कैप आपकी अगर सर्ड 3 की है तो इट विल सेपरेट एस, राइट, सेम जो है वो डिवीजन के साथ भी होगा,
देन वॉट विल हैपन, तो भी आप सेपरेट कर सकते हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन. फाइन. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल विल टेक ऑफ डिविजन, राइट. 27 अपॉन 4096. अगेन सर्ट के अंदर क्या है, 3. मीन्स इज अ क्वेश्चन ऑफ क्यूब रूट. अब हमने अभी जस्ट पढ़ा कि प्रॉपर्टी के थ्रू हम सबसे पहले सेपरेट कर लेंगे, जिससे थोड़ा क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए. 4096. नाउ 27 को हम अलग फैक्टराइज करके देखेंगे. 4096 बड़ा नंबर है, हम इसके फैक्टर्स ऐसे ही नहीं निकाल सकते, तो वी नीड टू फैक्टराइज. 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3. इसको फैक्टराइज करेंगे 4096 को, थोड़ा हम ऊपर ले लें क्योंकि इसके फैक्टर जो हैं वो ज़्यादा आएंगे. 2 से स्टार्ट करें. 2 2 4 0 2 4 8 2 8 16. अगेन 2 से देंगे. 2 1 2 0 2 2 4 2 4 8. अगेन 2 से देंगे. 2 5 10 2 1 2 2 2 4. अभी भी ये 2 से कंटिन्यू रहेगा. 2 2 4 2 5 10 2 6 12. अगेन इट्स एन इवन नंबर, तो कंटिन्यू 2 से ही होगा. 2 1 2 2 2 4 2 8 16. देते जाइए. 2 6 12 2 4 8 32 16 8 4 2 and final 2, यहाँ 1 आ जाएगा. ये हमारे सारे क्या हुए, फैक्टर्स हुए. इनको काउंट कर लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अब हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ 27, 3 × 3 × 3 क्यूब रूट, एंड इन प्लेस ऑफ 4096 आइदर यू कैन राइट 12 टाइम्स, बट आई डोंट थिंक ये नेसेसरी है. आप इसको 2 to the power 12 डायरेक्टली लिख दीजिए, क्योंकि अभी तो 12 फैक्टर आए. मान लीजिए 24 या 30 ऐसे फैक्टर्स आ गए, तब क्या करेंगे, ठीक है. तो बेटर है उनको काउंट कर लें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो नाउ वी हैव 2 to the power 12 एंड इन कैप इट इज 3. अब हम ब्रैक सर्ड ओपन करेंगे. पहले हम और सिंप्लीफाई कर लें. हम इसे लिख सकते हैं 3 to the power 3 अपॉन 2 to the power 12 3. नाउ 3 to the power 3 होल टू द पावर 1/3, बिकॉज इट्स अ क्यूब रूट, सो इट विल ओपन एज पावर 1/3. ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है. नाउ पावर टू द पावर, सो 3 to the power 3 × 1/3, 3 3 कैंसिल. सिमिलरली 2 to the power 12 होल टू द पावर 1/3, 3 4 12. सो फाइनली यू हैव 3 upon 2 to the power 4. 2 to the power 4 क्या होता है, 3 upon 2 × 2 × 2 × 2. 3 upon 2 to the 4 to the 8 to the 16. सो योर फाइनल आंसर इज 3 upon 16, ठीक है. डिविजन हो चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, पहले सारी टर्म्स को सेपरेट कर लीजिए. सेपरेट करने के बाद इंडिविजुअली फैक्टराइज करिए. फैक्टराइज करने के बाद जो भी नंबर सेम है, लाइक 2 जितने हैं उनको काउंट कर लीजिए. हो सकता है इसमें 3 के फैक्टर आते हैं, तो उनको काउंट कर लीजिए. जितने भी आ रहे हैं उनको पावर में आप लिख सकते हैं, ठीक है. लाइक यहाँ पे 3 आया, तो इसे हम 3 to the power 3 लिख सकते हैं, बिकॉज दे आर 3 3s, ट्रिपलेट, तो 3 to the power 3. सिमिलरली ये 12 आए थे, इसलिए हमने उसे 2 to the power 12 लिखा, ठीक है. उसके बाद सिंपल प्रोसीजर, पावर टू द पावर क्या होती है उसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे. एक और क्वेश्चन ले डिविजन का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन इफ वी विल हैव डेसिमल 9.261. क्यूब रूट का भी क्वेश्चन हो सकता है, स्क्वायर रूट का भी हो सकता है, बट नंबर इज इन डेसिमल, ठीक है. अब हमने डेसिमल का तो क्यूब रूट सॉल्व नहीं किया अभी तक, बट हमें डेसिमल ओपन तो करना आता है. सो वी विल रिमूव दिस डेसिमल. क्या होगा, एज वी रिमूव दिस डेसिमल विल गेट 1000 एज ए डिनोमिनेटर, क्योंकि फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. वहां पर डेसिमल के बाद 3 नंबर्स हैं,
तो नाउ माई क्वेश्चन इज 9261/1000 डिवाइड का क्वेश्चन हो गया ये. यस, अभी सेम प्रोसीजर, टर्म सेपरेट कर लेंगे. 9261/1000 ठीक है. अब वही तरीका, दोनों को फैक्टराइज करिए. 9261 एंड सिमिलरली 1000 को. इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे सो विल गेट, अब आप छोटे छोटे 3 से ट्राई करिए. 3 3 ज़ 9, 0 3 8 ज़ 24, 3 7 ज़ 21. अगेन इट विल गोज बाय 3. 3 1 ज़ 3, 0. 3 2 ज़ 6, 3 9 ज़ 27. अगेन इट इज डिवाइडिंग बाय 3. 3 3 ज़ 9, 3 4 ज़ 12, 3 3 ज़ 9, 3 1 ज़ 3. 3 से अब नहीं जाएगा, अब ये 7 से जाएगा. 7 4 ज़ 28, 63 हुआ. 7 9 ज़ 63, 7 7 ज़ 49, 7 1 ज़ 7. फैक्टराइजेशन की आपको प्रैक्टिस होना चाहिए. 2 5 ज़ 10, 0. 250 हो जाएगा, अगेन 2 से जाएगा. 125. नाउ इट विल डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, ये हो गए आपके फैक्टर्स. अब आपका क्वेश्चन जो है वो सेपरेट हो चुका था, तो आप इन प्लेस ऑफ 9261 ये नंबर्स लिख सकते हैं. तो मैं इसे काउंट करके लिख रही हूँ. वी हैव 3 3s, सो आई कैन राइट 3 to the power 3. सिमिलरली वी हैव 3 7s, मीन्स ट्रिपलेट ऑफ 7, सो आई कैन राइट 7 to the power 3. क्यूब रूट था इसलिए यहाँ 3 लगाना ज़रूरी है. अगर मैं भूल गई, लेट से मैंने यहाँ नहीं लगाया, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर रूट, जबकि ये क्या है, क्यूब रूट. सिमिलरली 1000 को हमने फैक्टराइज किया, तो वी हैव 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 3. ठीक है, क्वेश्चन हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे. कैप को ओपन करेंगे. 3 to the power 3 इंटू 7 to the power 3 होल टू द पावर 1/3 अपॉन 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 3 होल टू द पावर 1/3. राइट, नाउ पावर टू द पावर, सो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगा 1/3 इंटू 5 to the power 3 इंटू 1/3. 3 से 3 कैंसिल 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 एंड कैंसिल, सो फाइनली वी हैव 3 × 7/2 × 5 यानी 21/10. बट द क्वेश्चन वॉज इन डेसिमल, सो आई विल गिव आंसर इन डेसिमल. इट इज इक्वल टू 2.1. द क्यूब रूट ऑफ 9.261 इज 2.1. डेसिमल में सॉल्व करना था, बट डेसिमल में हम क्यूब रूट फाइंड नहीं कर सकते थे, सो वी कन्वर्टेड क्वेश्चन इनटू फ्रैक्शन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और फिर सिंपल जो हमारा प्रोसीजर होता है उसके थ्रू हमने सॉल्व किया. स्टूडेंट, ये स्टेप जो है, मुझे ऐसा लगता है कि दीज आर अननेसेसरी स्टेप्स, इनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, बट इनको इग्नोर करने के लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जब भी हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो हमें ट्रिपलेट मिलता है, एंड ट्रिपलेट जब मिलता है तो क्यूब रूट जब सर्ड हटाते हैं तो वो सिंगल नंबर बन जाते हैं. यहाँ पर हम कंटिन्यू एक और मेथड से मैं कर रही हूँ, इन दो स्टेप्स को इग्नोर करके. वी हैड 3 to the power 3 इंटू 7 to the power 3 एंड सिमिलरली 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 3 एंड क्यूब रूट. राइट, इसके बाद मैंने ये प्रोसीजर तो आपको पूरा बताया, बट मुझे ऐसा लगता है दो स्टेप को हम स्किप भी कर सकते हैं, बट ये प्रैक्टिस से ही आएगा. इस क्यूब रूट को हमें रिमूव करना है, तो ये 3 3 हैं तो ये 1 हो जाएगा. सिमिलरली ये 3 7 हैं तो विल टेक ओनली 1 7. ट्रिपलेट और क्यूब रूट ऑलवेज रिमूव्ड, हम इसके कई एग्जाम्पल कर चुके हैं. इसको मैं डायरेक्टली 2 लिख सकती हूँ. लेट्स से आई हैव एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स एंड यहाँ पर 3, देन आई कैन डायरेक्टली राइट एक्स. तो हम क्यों ये दो स्टेप्स करें. सिमिलरली यहाँ पर भी हम इसे 2 इंटू 5,
तो ये हो जाएगा 21/10 एंड योर आंसर विल बी 2.1। बट ये जो आप करेंगे, ये इसके पीछे स्टोरी क्या है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, और दूसरा प्रैक्टिस इतनी चाहिए कि हम डायरेक्टली लिख सकें, अदरवाइज तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना है। दीज टू स्टेप्स आर इग्नोरेबल बट यू शुड बी कम्फर्टेबल। गलत नहीं होना चाहिए कि हमने दो स्टेप हटा दी, मैम ने कहा है तो हमने दो स्टेप नहीं करी और फिर आपने कुछ भी यहाँ गलत सलत कर दिया। सही करना है तो आप ध्यान से इनकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने पे ये दो स्टेप आपको खुद रियलाइज होंगे कि दीज आर अननेसेसरी स्टेप्स। ठीक है, सो ये था डेसिमल का क्वेश्चन। सो दोस्तों, हमने मल्टीप्लीकेशन लिया, डिविजन लिया क्यूब रूट्स का, और डेसिमल का भी क्वेश्चन लिया कि अगर डेसिमल है तो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट इनटू अ फ्रैक्शन, और सॉल्व करने का प्रोसीजर वर्क का वही है। अब हम मिक्सचर ले रहे हैं, दो तीन तरह का मिक्सचर, लाइक इफ आई हैव सिंप्लीफाई 0.125 क्यूब रूट ऑफ 0.008 एंड थर्ड इज अगेन क्यूब रूट ऑफ 0.064। नाउ वी हैव थ्री इंडिविजुअल क्वेश्चन एंड द साइन इज प्लस। इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने के बजाय हम एक एक पार्ट में सॉल्व करते हैं, हम इसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सबसे पहले विल सॉल्व फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज क्यूब रूट ऑफ 0.125। एज आई टोल्ड यू, डिवीजन को कन्वर्ट करने का तरीका होता है डेसिमल को कन्वर्ट करने का तरीका होता है डेसिमल रिमूव कर दीजिए। हमने डेसिमल रिमूव किया तो नीचे 1000 आ जाएगा, बिकॉज आफ्टर डेसिमल देयर आर थ्री नंबर्स 1, 2 एंड 5, सो वी हैव टू पुट 3 जीरोस। क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू डिवाइड। अब हम इसे सेपरेट कर देंगे 1000। ठीक है, अब हम और आगे करेंगे, 125 के फैक्टर निकालेंगे 5, 5 एंड 5। सिमिलरली हम 1000 के फैक्टर निकालेंगे। अब जब आपने इतने सारे सम प्रैक्टिस कर लिए हैं तो आप कोशिश करेंगे कि अब इसे 2 से ना करें, 2 से करेंगे बहुत लेंदी होगा। हम क्या डायरेक्टली से 10 से सॉल्व नहीं कर सकते या 5 से नहीं कर सकते? कर सकते हैं, तो हम 10 से करते हैं तो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, मीन्स इसके फैक्टर जो हैं वो, बट ये नेसेसरी नहीं है। अगर आपको डिवाइड नहीं आ रहा है तो आप 1000 को 2 से भी कर सकते हैं, है ना, इट डिपेंड्स ऑन यू। बट मुझे पता था कि 1000 के ट्रिपलेट अगर 10 में फाइंड करें तो 10 × 10 × 10 होता है, बट इन केस आपको नहीं क्लिक हो रहा है देन आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि व्हाट आई एम सेइंग, आप आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से जो करना है वैसा सॉल्व करेंगे, कुछ भी करेंगे आंसर सही आएगा अगर आप सही कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास, सो आई कैन राइट, मैंने आपको बताया डायरेक्ट लिखने की आप आदत डालें, यहाँ पे थर्ड में है 3, सिमिलरली 10^3 एंड थर्ड इज क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, इसके बाद की स्टेप मैंने आपको बताई, आइदर तो आप इसे ओपन करें फिर पावर टू द पावर करें, पर बेटर है ये ट्रिपलेट है, ये क्यूब रूट है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट 5/10। 5/10 मीन्स 0.5। ठीक है, जब आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो आप एडिशनल में एक फॉर्मूला वहां पर लिख सकते हैं, इफ वी हैव दिस देन इट इज इक्वल टू दिस। अगर आपने ये डायरेक्ट लिख भी दिया और ये फॉर्मूला बता दिया तो आपका कोई मार्क नहीं कटेगा। ठीक है, और अगर आपको ये 10^3 में नहीं करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो भी वही आंसर आएगा, बट हम ऐसा ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो मैंने डायरेक्ट 1000 का है 10 × 10 × 10 ले लिया। ठीक है, सो डेसिमल का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब वी हैव सेकेंड पार्ट 0.008 कैप में 3। ठीक है, अगेन हम इसे क्या करेंगे, डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल हटाया 008 है तो अगेन यहाँ पर 1000 आ जाएगा एंड
3। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 8 के लिए आपको फैक्टराइज नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली लिख रही हूँ, बिकॉज एवरीबडी नो 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, 2 × 2 × 2। सिमिलरली 1000 इज इक्वल टू 10 to the power 3। प्रैक्टिस से आपको ये याद हो जाएगा। क्यूब रूट और ये 3 विल रिमूव बिकॉज ऑफ फॉर्मूला एंड 10। सो फाइनली योर आंसर इज 0.2, 2/10 मीन्स 0.2। थर्ड पार्ट इज 0.064 एंड क्यूब रूट। अगेन हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 0.064/1000, बिकॉज यहाँ पे फिर से 3 टर्म है। ठीक है, मैं डायरेक्टली इसे लिखूंगी 64/1000, सेपरेट कर लिया हमने। नाउ 64 इज इक्वल टू 4 to the power 3 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 10 to the power 3। प्रैक्टिस करने से आपको सारे फैक्टर्स टिप्स पे याद हो जाएंगे। ठीक है, अगेन ये रिमूव हो जाएगा 4/10। सो फाइनली योर आंसर इज 0.4। नाउ यू हैव ऑल द 3 पार्ट्स। क्वेश्चन वॉज इन प्लस, फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आया है 0.5। ये नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसे रिमूव कर रही हूं। क्वेश्चन वॉज 1 + 2 + 3। फर्स्ट पार्ट जो हमारा आया था दैट वॉज 0.5, सेकेंड इज 0.2 एंड थर्ड इज 0.4। सो फाइनली इट इज 1.1। मीन्स अगर हमें ऐसे सर्ड्स दिए हुए हैं, क्यूब रूट थे, तो हमने उसको सॉल्व करके आंसर कितना इजी लेके आया। ठीक है, बट स्टूडेंट इसमें आपको केयरफुल रहना होगा। एक तो आपको डेसिमल की प्रैक्टिस होना चाहिए, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और कुछ स्टेप्स अब आपको इग्नोर करना ही होगा, अदरवाइज एक पार्ट इतना लेंथी हो जाएगा, फिर सेकेंड पार्ट भी बहुत लेंथी हो जाएगा, देन थर्ड पार्ट विल ऑल्सो भी लेंथी, और फिर आप उनको ऐड करेंगे तो इतना तो आपका टाइम ही निकल जाएगा। तो कुछ स्टेप्स अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करा देती हूँ कि इफ़ वी हैव, मान लीजिए 8 to the power 3 and 3, तो अब आपको डायरेक्टली लिखना आना चाहिए कि इट इज़ इक्वल टू 8। एंड सिमिलरली स्क्वायर रूट के साथ भी यही है, इफ़ वी हैव 8 to the power 2, यहाँ पे 2 मेंशन है या नहीं है, दोनों केस में इट इज़ इक्वल टू 8। जनरलाइज फॉर्मूला अगर हम देखें, इफ़ वी हैव x^n और यहाँ भी n, देन इट इज़ इक्वल टू x। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, तभी आप स्क्वायर और क्यूब को इजीली सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो हमने डेसिमल का भी क्वेश्चन लिया, अब हम एक दो प्रॉब्लम समझ लेंगे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी न्यू काइंड ऑफ एग्जाम्पल। अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज 0.027। वॉल्यूम है तो ऑब्वियस है, क्यूबिक में इसकी यूनिट होगी। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ बॉक्स। एज मीन्स साइड। ठीक है, सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए क्यूब के वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू x × x × x। जो भी उसकी एज है उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, साइड x नहीं, आप a ले लें, वेरिएबल जो लेना है वो ले लें। वॉल्यूम हमेशा होता है x × x × x मीन्स x³। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन फॉर्मूला बन गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x³। नाउ दे हैव गिवन वॉल्यूम, दे हैव नॉट गिवन द एज, लेंथ ऑफ एज, दे हैव गिवन द वॉल्यूम। सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इन प्लेस ऑफ वॉल्यूम। आई कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू
सो ये मेरी इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसको मैं शिफ्ट कर लेती हूँ। नाउ माई इक्वेशन इज एक्स क्यूब इक्वल टू 0.027। बिकॉज वेरिएबल मैंने आपको बताया कि प्रेफरेबली वेरिएबल को हम लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमें फाइंड करना है x एंड वी हैव x क्यूब, सो विल फाइंड x। यहाँ से जब क्यूब राइट साइड में शिफ्ट होगा तो वो क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पे बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी स्क्वायर में किए हैं, बट स्टिल एक बार मैं रिकॉल कराऊंगी। जैसे ऑपरेशन इनवर्स ऑपरेशन प्लस का माइनस होता है, लाइक आई हैव x प्लस 5 इक्वल टू 6, सो x इक्वल टू 6 माइनस 5 बिकॉज ऑपरेशन क्या है, प्लस। सिमिलरली माइनस का इनवर्स इज ऑलवेज प्लस। मल्टीप्लाई अगर होता है यहाँ पे, लेट्स से क्वेश्चन ये है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10/5 बिकॉज द ऑपरेशन इज मल्टीप्लाई, सो इनवर्स ऑफ मल्टीप्लाई इज डिवाइड। ऐसे ही स्क्वायर का ऑपोजिट मींस इनवर्स हमेशा होता है, लेट्स से ये है, तो इनवर्स जो होगा इसका स्क्वायर रूट होगा। आप यू कैन से द इनवर्स ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर रूट, इनवर्स ऑफ स्क्वायर। सिमिलरली इनवर्स ऑफ क्यूब इज क्यूब रूट। ऐसा होना ही चाहिए, हर चीज का इनवर्स एप्लीकेशन होता है। तो लेट्स से इफ यू हैव एक्स क्यूब इक्वल टू 125, देन एक्स इक्वल टू ऑलवेज होगा 125 बिकॉज ये 3 था तो क्यूब रूट में, लाइक क्यूब था तो क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट से पावर 4 है तो वो 1/4 में जाके कन्वर्ट हो जाएगी। मीन्स द इनवर्स ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर रूट, द इनवर्स ऑफ क्यूब इज क्यूब रूट। उल्टा भी हम बोल सकते हैं, द इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट इज स्क्वायर एंड द क्यूब रूट, इनवर्स ऑफ क्यूब रूट इज क्यूब, वाइस वर्सा होगा। जैसे प्लस का ऑपोजिट होता है, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट होता है, ऐसे ही इनके भी ऑपोजिट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि एल्जेब्रा जो है इसके बिना सॉल्व ही नहीं हो सकता। हमारे पास आ गया था एक्स क्यूब इक्वल टू दिस, हमें निकालना है एक्स। सो हमने 3 को, जो पावर में 3 है, उसे शिफ्ट किया राइट साइड में। जब भी हम इक्वल टू के अपोजिट साइड शिफ्ट करते हैं तो क्यूब का बन जाएगा क्यूब रूट, अगर ये स्क्वायर होता तो ये कन्वर्ट हो जाता स्क्वायर रूट, ठीक है। सो नाउ माय क्वेश्चन इज एक्स इक्वल टू 0.027। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे बिकॉज डेसिमल को सॉल्व करने का एक ही तरीका कि डेसिमल को रिमूव कर दीजिए, 27 है ये, 1000 हो जाएगा। हमने ऐसे बहुत सारे सम प्रैक्टिस करें तो अब हम इजीली कर सकते हैं। इट इज इक्वल टू 27 क्यूब रूट एंड 1000 का भी क्यूब रूट। 27 आप किसके इक्वलेंट होता है, 3 के इक्वलेंट होता है, 3 to the power 3, है ना। सिमिलरली 1000 किसके इक्वलेंट होता है, 10 to the power 3, फाइन। डायरेक्ट स्टेप मैंने आपको बताया कि ट्रिपलेट है और यहाँ क्यूब रूट है, तो ये सॉल्व होके हो जाएगा 3 एंड ये सॉल्व हो जाएगा 10 एंड फाइनली यू हैव 0.3। द साइड ऑफ अ क्यूब और द एज ऑफ द क्यूब इज 0.3, यूनिट था मीटर, तो योर आंसर विल बी इन मीटर। मीन्स जो एक क्यूब दिया हुआ था, ये एक क्यूब है, इसका जो वॉल्यूम है, लेट से इसके अंदर वाटर है, तो जो वाटर है उसकी कैपेसिटी इतनी थी 0.027, बट इस क्यूब की एज कितनी है ये हमें नहीं पता थी। तो लेंथ ऑफ एज फाइंड करने के लिए हमने सिंपल सा फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला लिखने के बाद पहले उसको रीअरेंज किया बिकॉज राइट साइड में हमारा वेरिएबल था, एंड हमने उसे सॉल्व करने के लिए क्यूब को हटाया। जब क्यूब को हमने इक्वल टू के राइट साइड शिफ्ट किया तो इट विल कन्वर्टेड इनटू क्यूब रूट। कोई भी स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट, क्यूब है तो क्यूब रूट। सिंपल सॉल्व हमने किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आता है। ये स्टेप्स हमने जरूर करी हैं बट आपको इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं 0.3, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेंगे।